हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको द्विनाम पद्धति के नियम पर आपसे द्विनाम पद्धति के नियमों पर आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति के नियम दिए, जिनमें प्रथम नाम मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसमें द्विन पद की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। किसी जीव का नामकरण करने के लिए द्विपद की व्यवस्था की जाती है, जिसमें प्रथम पद कौन होता है, प्रथम पद जो होता है वो वंश होता है और द्वितीय पद जो होता है वो क्या होती है, जाति होती है। ठीक है, उसके पश्चात मैंने दूसरे नियम में आपको बताया कि जो वंश होता है उसका प्रथम अक्षर कैपिटल अंग्रेजी वर्ण वाला का प्रथम अक्षर, वंश जो होता है उसका प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तथा जाति के सभी अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो इनका फर्स्ट अक्षर कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, और जाति के सभी अक्षर कौन से लेटर्स में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसका नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, देयर नेम शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। तो उसका नाम कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए, लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। चौथा नियम आपको हमने बताया कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कि इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है, इटेलियन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, इटैलिक वर्ड भी होता है, आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो यहां पर तिरछे अक्षरों में, यानी कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उन्हें कौन से अक्षरों में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों को कौन सी लिपि कहा जाता है, इटेलियन लिपि के नाम से, इटेलियन लिपि के नाम से जाना जाता है। पांचवा बिंदु मैंने आपको बताया कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है और नाम यदि आप उसका नाम यदि आप हाथ से लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो, बाई हैंड लिख रहे हो, मैनुअल कर रहे हो काम, तो हाथ से उनका नाम लिखते समय वंश और जाति, जैसे मानव का नाम है होमो सेपियन। ठीक है, तो जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसका वंश और जाति के नीचे क्या करते हैं, पृथक से हम क्या कर देते हैं, रेखांकन कर देते हैं। ठीक है, अगर हाथ से आप नाम लिख रहे हो तो वंश के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और जाति के नीचे भी क्या कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। छठा नियम मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब एक ही वंश या जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न रखा जाए, एक ही वंश का नाम या जाति का नाम जब भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या रखा जाए, भिन्न भिन्न नाम रखा जाए, तो सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाले नाम को ही क्या दी जाती है, मान्यता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, तत्पश्चात उसके नाम, ठीक है, उसका नाम जिस वैज्ञानिक के लिखा है, जिस वैज्ञानिक ने उस नाम की क्या की है, खोज की है, तो उस खोजकर्ता का नाम और जिस वर्ष में उस खोजकर्ता ने उसका नाम दिया है उसे क्या लिखा जाता है, जाति के पश्चात लिखा जाता है। जैसे टीनिया सोलियम मैंने आपको बताया, टीनिया सोलियम का नाम जो लिखा था वो कैरोलस लीनियस ने लिखा था, इसलिए मैंने वैज्ञानिक का नाम लिख दिया लीनियस। ठीक है, और कब लिखा मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1758। ठीक है, कब लिखा था, 1758 ईस्वी के अंदर लिखा। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द्विनाम पद्धति के नियमों पर आपसे चर्चा। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है वर्गीकरण।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गी की क्या है। देखो दो शब्दों में यहां पर आपसे बात करेंगे, वर्गी की और वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो किस टॉपिक पर करने जा रहे हैं, वर्गी की और वर्गीकरण पर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास हमारे हो गए 11, लेसन नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड, और नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा जिस पर हम मेजरली चर्चा करेंगे वो है टैक्सोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं वर्गी की। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गी की क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है। देखो वर्गी की जो है इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला हो गया टैक्सिस और दूसरा हो गया नोमोस, नोमोस। ठीक है, वर्गीकी को हम अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी कहते हैं, और टैक्सोनॉमी जो शब्द होता है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। टैक्सोनॉमी जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, टैक्सिस और नोमस। टैक्सिस का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन, टैक्सिस का अर्थ क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन, और नोमस का अर्थ होता है रूल। नोमोस का अर्थ क्या होता है, रूल। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होगा, वर्गीकरण, और रूल का अर्थ होता है नियम। अर्थात परिभाषा क्या निकल के आई वर्गीकी की, जिसमें वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि वर्गीकरण क्या है भैया, देखो वर्गीकरण हम कैसे करते हैं भैया, अभी हमने एक परिभाषा नहीं निकाली, अभी तो केवल इतना सा बोल के हमने कह दिया है कि वर्गीकी किसे कहते हैं, तो वर्गीकी किसे कहते हैं, जिसमें वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी, जिसमें वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गी की कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा दी है, अभी हम इसकी एक मॉडिफाइड परिभाषा आपको देने का प्रयास करेंगे, आगे देखिए किस तरीके से निकल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण क्या है। ठीक है, देखो पहली बात तो आपके दिमाग में यह आनी चाहिए कि वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्गीकरण की भी आवश्यकता क्यों पड़ी है, या जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या हम कहें पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और इन जीवों को पहचानने, इन जीवों को किसके लिए, पहचानने के लिए। भाई जीव होते हैं, मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मानव की जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से होती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से होती है। अब आपको पता है गेहूं से उनको भोजन मिलता है, ठीक है, गेहूं से उन्हें, गेहूं से क्या प्राप्त होता है, उनको भोजन प्राप्त होता है, बाजरे से भोजन प्राप्त होता है, दाल से उनको भोजन प्राप्त होता है, फलों से उनको भोजन प्राप्त होता है, सब्जियों से उन्हें प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी भोज्य सामग्री है वो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो हमें ये पता लग जाए कि फल पौधे से हमें ये फल चीज प्राप्त होती है, ठीक है, तभी तो हम उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, जब हम उनको आसानी से पहचान लेंगे तभी तो हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, पहचान लेंगे तो उनका हम सुव्यवस्थित तरीके से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं।
आज अगर मैं आप सभी से कहूं कि सब्जी वाले पादपों के नाम बताइए तो आप तुरंत ही सब्जी वाले पादपों के नाम बता दें, क्योंकि आप लोग उनसे चिर परिचित हो गए हैं, उनका आप डेली दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। ऐसे में अगर अनाजों के बारे में बात करूं तो आप सारे अनाजों के बारे में बता दें। अगर मैं आपसे फलों के बारे में बात करूं तो फलों को आप बता देंगे। मैं कहूं भैया टमाटर है तो आप कहेंगे सब सब्जी है, क्योंकि आपने उसकी पहचान कर ली है कि टमाटर का यूज किस में किया जाता है, सब्जी के रूप में। मैंने कहा केला तो आप तुरंत ही क्या कर ली, पहचान कर ली भाई केला है वो एक फल है जिसको पोषण के रूप में क्या है मानव के द्वारा काम में लिया जाता है। तो ये हमने क्या है जीवों की पहचान की जाती है, और पहचान के साथ साथ उनका सुविकसित अध्ययन करने के लिए उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो मेरा यह सवाल आपके समझ में आ गया होगा कि जीवो को वर्गीकृत क्यों किया जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, और उन जीवों को पहचानने और उन जीवों का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए, जीवों को पहचानने के लिए और उनका सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए ठीक है क्या किया जाता है, वर्गीकरण करना क्या होता है आवश्यक, वर्गीकरण करना क्या होता है आवश्यक होता है ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया है वर्गीकरण, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। अब मैं बात करता हूं भैया वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण जो होता है उसमें क्या काम होता है, वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं वर्गीकरण, सबसे पहले मान लीजिए दो जीव है, एक कुत्ता है एक बिल्ली है एक मानव है, हमने यहां पर तीन एग्जाम्पल दे दिए एक साथ। तो कुत्ते को हम पहचान लेंगे कि ये कुत्ता है, कुत्ते को क्या आप बिल्ली कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। बिल्ली को आप क्या कुत्ता कह सकते हैं, नहीं कह सकते। मानव को आप क्या कहेंगे, मानव ही कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उसकी आसानी से पहचान कर चुके हो। अब मान लीजिए बहुत सारे कुत्ते हैं तो आप कहेंगे वो समान है, उनका आकार आकृति समान है तो वो समानता का लक्षण हो गए। कुत्तों के साथ अगर बिल्लियां हैं तो वो क्या हो गई, असमानता हो गई। इसलिए जीवों को समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर ठीक है, जीवों का जो हम बांटते हैं वो किस आधार पर बांटते हैं, समानता के आधार पर। भाई कुत्ते कुत्ते इधर होंगे, बिल्लियां इधर होंगी, मनुष्य इधर होंगे, गाय भैंस इधर होंगे, तो उनको हमने क्या कर दिया है, समानता के आधार पर वर्गीकरण किया। असमान है उनको हमने अलग कर दिया, समान है उनको एक जगह रख दिया। तो जीवों को समानता और असमानता के आधार पर विभक्त करने की क्रिया को या बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में आपने क्या काम किया, सबसे पहले जीव को क्या किया है, उसका पहचान किया है। जीवों की क्या की है, सबसे पहले पहचान किया। पहचान के बाद आपने क्या किया बताइए मुझे, दूसरा करैक्टर जो आपने लिया है वो उनका क्या किया है, आपने उनके लक्षणों का अध्ययन किया कि भाई कुत्तों के ये लक्षण होते हैं, बिल्लियों के ये लक्षण होता है, मानव के ये लक्षण होता है। तो ये आपने उनका क्या कर लिया भैया, उनकी पहचान करने के बाद उनके लक्षणों को आपको जानकारी कि उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद उन्होंने आपने उनको क्या दिया है, नाम दिया है। तो तीन काम किया है, कौन से काम किए हैं, तीन काम किए हैं वर्गीकरण में। आपने तीन काम कर दिए कि जीव की सबसे पहले आपने क्या कर दी, पहचान कर दी, फिर दूसरा काम क्या किया, उनके लक्षणों के बारे में आपने बता दिया कि उनके लक्षण क्या है, तीसरा क्या है उनका क्या कर दिया, आपने नामकरण कर दिया। और ये तीन काम कर दिया इसका मतलब आपने उनका क्या कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया। क्या कर दिया उनका, वर्गीकरण। तो परिभाषा क्या हुई है वर्गी की, अब आप आगे देखिए कि वर्गीकरण क्या है, ये एक जीव विज्ञान की क्या है, शाखा है। वर्गी की किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, वर्गी की किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। तो हम क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान ठीक है, जीवों की पहचान लक्षण नामकरण, वह वर्गीकरण का जो आधार
और वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा वर्गीकरण की परिभाषा कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, उनके लक्षण, उनका नामकरण एवं वर्गीकरण का आधार, क्या किस आधार पर आपने उनका वर्गीकरण किया है, तथा वर्गीकरण के नियमों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का आधार व वर्गीकरण के नियमों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। The branch of biology in which studied about the identification, nomenclature and the base of classification and the rules of classification is studied a organism that is known as taxonomy. या हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण के आधार व उनके नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहा जाता है। तो वर्गीकी की परिभाषा आपके सामने आ गई होगी। ठीक है, देखिए ये वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे। आपसे पूछा जाए कि भाई टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जैसे हमने आपको जब पहला लेक्चरर आपको दिया तो हमने आपको बोला कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हमने आपको क्या बोला कि भैया बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो लामार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 में किया। ऐसे ही टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ए पी डी कैंडोले नाम के वैज्ञानिक ने वर्गीकी शब्द का सबसे पहले क्या किया था, उपयोग किया था। ठीक है, या हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए पी डी कैंडोले। ठीक है, तो एपीडी कैंडोले के द्वारा टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अब आप बात सुनिए, हमने आपको यहां पे परिभाषा बोली कि जिसमें जीवों की पहचान, लक्षण, नामकरण, वर्गीकरण का आधार और वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण के कौन कौन से आधार है, इन पे अब आपसे बात करने जा रहा हूं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वर्गीकी के निम्न आधार है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वर्गीकी के आधार। देखिए वर्गीकी के आधार पर आपसे बात करने जा रहे हैं वर्गीकी के आधार, बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। देखो वर्गीकी के निम्न आधार होते हैं। ठीक है, वैसे अगर एक सूत्र मैं आपको बता दूं तो वो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहला सूत्र देखिए क्या है, देखिए वर्गीकी के मुख्य रूप से चार आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं, चार। सूत्र के आधार पे बता रहा हूं, देखिए मैंने किसको देखा, आईसीएनसी मैंने एनसी को देखा। आई का अर्थ हो गया आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचान। तो वर्गीकी का पहला आधार है पहचान करना, जीवों की पहचान करना। ठीक है, दूसरा है करैक्टराइजेशन जिसमें हम बोलते हैं जीवों के प्रमुख लक्षण,
जीवों के प्रमुख लक्षण करैक्टराइजेशन। तीसरा हो गया नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ठीक है, क्या बोलेंगे नोमेनक्लेचर। और तीसरा है आपका सबसे अंतिम है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं वर्गीकरण ठीक है। देखो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उन पे आपसे बात कर लेता हूं भाई। नामकरण पर आपसे हमने बात कर चुके हैं कि नामकरण क्या है ठीक है। हमने आपको नामकरण के बारे में बताया कि जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से, जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम रखने की प्रक्रिया को, जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम रखने की प्रक्रिया को ही नामकरण कहा जाता है, जिसमें हमने आपको द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी उसके नियमों पर आपसे हम लास्ट वीडियो में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जीवों का नामकरण क्यों किया जाता है, उनका मानक नाम क्यों दिया गया। अंतरराष्ट्रीय दो संस्थाएं कार्य कर रही है आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन के द्वारा पादपों का नामकरण किया जाता है, आईसीजेडएन के द्वारा जंतुओं का, प्राणियों का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो नामकरण पे हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है, इसलिए हम इस पे आपसे चर्चा नहीं करेंगे। केवल आपको हमने बता दिया है नामकरण ठीक है। और दूसरा बिंदु है हमारा क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन पर भी अभी हमने आपसे बात की थी कि भाई जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, और हमने आपको बताया भाई जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और उन जीवों की पहचान करने के लिए और उनका सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि जीवों को समानता और असमानता के आधार पर, जीवों को समानता और असमानता ठीक है आधार पर विभक्त करने की क्रिया को, बांटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है ठीक है। ये ऐसी पद्धति होती है जिसमें जीवों को समानता के आधार पर और असमानता के आधार पर क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, उसे वर्गीकरण कहते हैं। अब आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक क्लास में हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जैसे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने क्या किया, उनका वर्गीकरण करना ठीक है, किस आधार पे कि कौन से बच्चे होशियार हैं, कौन से कमजोर हैं, कौन से मीडियम हैं। तो हम क्या करेंगे, उनका एक पेपर लेंगे ठीक है, पेपर लेंगे जिनके मान लीजिए पेपर हमने 10 अंक का लिया, कितने अंक का लिया, 10 अंक का लिया। अब मान लीजिए जिन बच्चों के 10 में से 10 अंक आए, मान लीजिए 10 में से 10 अंक आए, मान लीजिए 5 बच्चों के, तो वो 5 बच्चों को हम अलग कर देंगे क्योंकि वो समान बच्चे हैं, समान इंटेलिजेंट है। 9 नंबर मान लीजिए 15 बच्चों के आए, तो उन 15 बच्चों को हम अलग बैठा दें। तो आप देखिए दोनों में क्या हो गई, विभिन्नता हो गई, ये समान है ये भी समान है, परंतु एक अंक का अंतर होने के कारण यहां पर क्या हो गई है, इन बच्चों के अंदर 5 और 15 बच्चों के अंदर क्या आ गई है, भिन्नता आ गई। इसलिए मैंने क्या बोला, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर विभक्त करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। तो ये दो बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको भी हम आपको दोबारा रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इस पर भी अब हम चर्चा नहीं कर रहे। नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है पहचान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ठीक है। देखिए जीवों की पहचान क्यों की जाती है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो जीव होते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जो भी जीव पाया जाता है उस प्रत्येक जीव के अंदर क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं ठीक है। मान लीजिए यहां पे दो टीचर, मैं आपको एक बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए,
एक फिजिक्स के सर है हमारे, एक केमिस्ट्री के सर है, ठीक है, ये दो जीव हो गए नहीं हो गए। इन दोनों के अंदर अनेक लक्षण कैसे हैं? समान है। फिजिक्स वाले सर के अंदर और केमिस्ट्री वाले सर के अंदर अनेक लक्षण समान है। कौन कौन से लक्षण है भैया? फिजिक्स वाले सर भी पोषण की क्रिया करते हैं, भोजन करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी करते हैं। फिजिक्स वाले सर भी श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं। इनके द्वारा भी उत्सर्जन किया जा रहा है, इनके द्वारा भी जनन किया जा रहा है, इनके अंदर भी तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इनके अनेक सामान्य लक्षण है, इसलिए हमने ये बोला है कि जीवों में अनेक क्या पाए जाते हैं, लक्षण कैसे होते हैं, समान होते हैं। परंतु हम कहें कि फिजिक्स वाले सर से सर आप केमिस्ट्री पढ़ाओ, नहीं पढ़ा पाएंगे। केमिस्ट्री वाले सर से कहें कि आप फिजिक्स पढ़ाए, हालांकि नॉलेज है पर इतनी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इनमें फिजिक्स के विशिष्ट गुण है, इनके अंदर केमिस्ट्री के विशिष्ट गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परंतु, ठीक है, परंतु प्रत्येक जो जीव होता है उसमें एक क्या पाया जाता है, या प्रत्येक जो जीव होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक विशिष्ट समूह के क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जो दूसरे जीवों के अंदर क्या है, नहीं पाए जाते। अब वो विशिष्ट लक्षण मान लीजिए हम हिंदी वाले टीचर की बात करें या अंग्रेजी वाले की बात करें, तो उनके अंदर वो लक्षण क्या है, नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हमने यही तो बोला है कि जीवों में क्या पाए जाते हैं, अनेक लक्षण समान होते हैं, परंतु एक विशिष्ट जीव समूह के अंदर, एक विशिष्ट जीव समूह के अंदर कुछ विशिष्ट क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जो दूसरे जीवों के अंदर क्या है, नहीं पाए जाते। ऐसे अनेक लक्षणों की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, और पहचान करके उन्हें क्या करते हैं भैया, वर्गीकरण का उन्हें क्या बनाया जाता है, मुख्य आधार बनाया जाता है। उन्हें वर्गीकरण का क्या बनाया जाता है, मुख्य आधार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, उन्हें वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाया जाता है। और इन विशिष्ट लक्षणों को क्या कहा जाता है, इन विशिष्ट लक्षणों को क्या कहा जाता है, कुंजी लक्षण कहा जाता है। जीव के विशिष्ट लक्षणों को कौन से लक्षण कहा जाता है, कुंजी लक्षण, की करैक्टर्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। किसी जीव के विशिष्ट लक्षणों को क्या कहा जाता है, कुंजी लक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जीव का क्या है, विशिष्ट लक्षण। आपको हम बता दें कुंजी लक्षण की और भी अगर सटीक परिभाषा हम अगर देना चाहें तो इस प्रकार से हम कुंजी लक्षण की परिभाषा देंगे कि वे मौलिक लक्षण, वे मौलिक लक्षण जो जीवों को वर्गीकरण का आधार बनाते हैं, वे मौलिक लक्षण जो जीवों को वर्गीकरण का क्या बनाते हैं, मौलिक आधार बनाते हैं, या वर्गीकरण का क्या बनाते हैं, आधार बनाते हैं, जिनसे वर्गीकरण कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, जीव का वर्गीकरण करना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, उन लक्षणों को कुंजी लक्षण कहते हैं। या हमने सिंपल परिभाषा बोली कि जीव के विशिष्ट लक्षणों को कुंजी लक्षण कहा जाता है, या दूसरी परिभाषा हमने बोली कि वे मौलिक लक्षण जो जीवों के वर्गीकरण का क्या बनते हैं, आधार बनते हैं, तथा जिनसे वर्गीकरण कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कुंजी लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी लक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दी किसके बारे में हमने बात की है, पहचान पर हम बात कर रहे हैं। तो पहचान क्या है, जीव का एक विशिष्ट गुण होता है। पहचान क्या है, जीव का क्या है, एक विशिष्ट गुण होता है, जिसमें जीव को, जिसमें क्या किया जाता है, जीव को, देखिए ये तो हमने आपसे बात कर ली जीव के प्रमुख लक्षण, भाई जीव में अनेक क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ये अभी हमने जो बात की है वो जीव के प्रमुख लक्षणों पर आपसे बात की थी कि जीव में अनेक लक्षण होते हैं और एक विशिष्ट लक्षण जो होता है वही दूसरे जीवों से उस जीव को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और ऐसे अनेक लक्षणों की पहचान करके, ऐसे अनेक लक्षणों की पहचान करके उन्हें वर्गीकरण का क्या बनाया जाता है, मुख्य आधार बनाया जाता है। और इन्हीं विशिष्ट लक्षणों को क्या कहा जाता है, कुंजी लक्षण कहा जाता है।
और पूंजी लक्षण किसे कहते हैं? वे मौलिक लक्षण जो जीव का वर्गीकरण का आधार बनते हैं, जिनसे आसानी से क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। और सबसे अंत में जो हम बात कर रहे हैं वो पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहचान क्या है, ये जीव का एक विशिष्ट गुण होता है, ठीक है। जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है तो उसको जब भी वो बच्चों को देखता है तो तुरंत उसकी नजरें, ठीक है, ऑटोमेटिकली होशियार बच्चों पर पड़ती, क्योंकि उन बच्चों के क्या है, विशिष्ट लक्षण, ये उनका क्या है, पहचान हो गई है। इसलिए यह जीव का क्या होता है, वह गुण होता है। पहचान क्या है, जीव का वह गुण होता है जिसमें जीव को उसके विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट जीव को उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर क्या है, पहचाना जाता है। मैंने आपको बोला कि टीचर क्लास में अंदर गया और अंदर जैसे ही जाएगा तो जाने के पश्चात, ठीक है, उसकी नजरें ये देखेगी कि क्लास में आज होशियार बच्चे आए या नहीं आए, ठीक है। तो ये क्या है कि उस जीव के अंदर, उन बच्चों के अंदर क्या है, विशिष्ट प्रकार के लक्षण होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टीचर पहले पहचान चुका है। तो जीव का पहचान क्या है, यह जीव का एक विशिष्ट गुण होता है जिसमें जीव को उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। और वर्गीकरण करते समय, वर्गीकरण करते समय पहचान के आधार पर ही वर्गीकरण जब किया जाता है तो पहचान के आधार पर ही, किसके आधार पर, पहचान के आधार पर ही उन्हें दूसरे जीवों से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पहचान कहा जाता है। तो पहचान ना क्या है, एक जीव का विशिष्ट लक्षण होता है जिसमें जीव को उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। और वर्गीकरण करते समय पहचान के आधार पर ही जीवों को, ठीक है, उन जीवों से क्या कर दिया जाता है, पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने जो बात की है वो वर्गी की है। तो वर्गी की क्या है, तो वर्गी की हमने आपको बता दिया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का आधार और वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गी की कहते हैं, ठीक है। आपको हमने बताया वर्गी की शब्द का प्रयोग एपी डे कैंडोले नामक वैज्ञानिक ने किया। दूसरा हमने आपको टॉपिक पढ़ाया आज वर्गी की के आधार, वर्गी की के चार प्रमुख आधार है, पहचानना, जीव के प्रमुख लक्षण, तीसरा है नामकरण और चौथा है वर्गीकरण, ठीक है। और इन चारों पॉइंटों पर हमने बारी बारी से आपसे क्या कर लिया है, चर्चा कर ली। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।